क्या खूब कहा है किसी ने, हर वक्त आप किसी की मदद नहीं कर सकते, मगर जो आपके सामने है उसकी तो मदद कर सकते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को दे दिया। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के इतने पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात पता नहीं। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायान पर निकल गए, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए, जो सब कुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसा भी बहुत थोड़ा है। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो छोटा सा कार्य ही क्यों न हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सभी मित्रों को जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, उनका हार्दिक धन्यवाद।